हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। आज है दिन बुधवार, सुबह का टाइम हो रहा है और मैं लगी हूँ अपने सुबह के काम निपटाने में। और कभी कभी ऐसा लगता होगा ना कि आप कहते हैं ना कि दी थोड़े से कपड़े वपड़े अपने देख लिया करिए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा और लग रहा था क्योंकि मैं ऐसे वो पहने थी टॉप और लोअर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर मैं वो चेंज करने में लग जाऊँ ना, तब तक मेरे सुबह के बहुत सारे काम निपट जाते हैं, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। अभी क्या है, वीडियो जैसे बना रही हूँ तो दिख जाती है वो चीज़, लेकिन वैसे नॉर्मली हम देखें जब अपने अपने घरों में काम करते हैं तो हमारे कपड़े कहाँ जा रहे होते हैं, मतलब कहाँ जा रहे हैं, मतलब कैसे भी होते हैं, बाल कहीं हो रहे होते हैं उस टाइम पे। अगर बाई चांस हम शीशा देख लें तब पता चलता है कि हमारी क्या दशा हो रही है उस टाइम पे। और इसके साथ आयान की भी 2-3 दिन से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, तो मेरा वैसे भी मन नहीं लग रहा था, तो और चीज़ सारी अस्त व्यस्त हो गई थी, पूरा घर फैला पड़ा है। अभी मैंने सब आयान के खिलौने समेटे हैं, साफ किया है, और अभी वो सो रहा है तब तक मैं काम निपटा ले रही हूँ क्योंकि अभी वो उठा नहीं है, रात में सोया नहीं है। 4 बजे तक उसको 6-7 घंटे लगातार बहुत तेज तेज कफ हो रहा था, मतलब खांसी तो उसकी रुक ही नहीं रही थी, तो उसको कल नेबुलाइजर भी लगवाया था। तो वैसे बच्चों को नेबुलाइजर नहीं लगवाना चाहिए, लेकिन जब ऐसी दिक्कत हो रही हो, बहुत ज़्यादा बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, तो लगवा भी सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें नुकसान भी करती हैं कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत अगर आराम मिलता है तो नुकसान भी करती हैं, लेकिन लगवाना पड़ा था मजबूरी में, तो इसलिए अभी मैं उसे सोने दे रही हूँ। रात में दवा वगैरह भी खाई। तो ये जब से सीजन चेंज हुआ है ना यहाँ, एकदम से तो किसी दिन बहुत गर्मी हो जाएगी, इतनी गर्मी सी हो जाएगी, और एकदम से कभी कभी ठंडा हो जाएगा। यहाँ मौसम ऐसे बदलता है, सर्दी तो नहीं होती है लेकिन यहाँ पर धोखे वाली सर्दी होती है, धोखा दे जाती है, तो वो दिक्कत करती है बच्चों को। तो बस अभी मैंने साफ़ सफाई के काम निपटाए हैं, नहा धो के किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो मैं नाश्ते में दलिया बना रही हूँ, सारी सब्जी काट ली है मैंने, मटर, आलू, टमाटर, सब कुछ, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, और इसमें थोड़ी सी मैं काली मिर्च और लौंग भी डाल दे रही हूँ हींग जीरा के साथ में, क्योंकि इससे क्या है कि वैसे तो ये काली मिर्च लेता नहीं है, चाय पसंद नहीं करता है, तो इसे खाने में डाल सकते हैं थोड़ा सा काली मिर्च और लौंग। और बस यहाँ पर पतला पतला ऐसी नमकीन दलिया बना ले रही हूँ मैं जल्दी से, क्योंकि मैं भी रात भर नहीं सो पाई ना, तो मेरा सर घूम रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी से कुछ ना कुछ ऐसा बना दूं ताकि सब लोग खा लेंगे। तो इनके लिए और आयान के लिए बना दे रही हूँ, और बाकी आयान के लिए कल कुछ ना कुछ मैं बना रही थी, वो खा नहीं रहा था कुछ भी, तो वो सब रखा है, तो मैं अपने लिए वो गर्म कर लूँगी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ बर्बाद करने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने हींग जीरा लहसुन ये अदरक सब भून दिया, दलिया डाल दिया, और प्याज नहीं भूना था, वो दलिया के साथ में भूना है, बातों बातों में भूल गई। और ये दलिया थोड़ा सा ठीक भी रहेगा, हेल्दी भी रहता है। और आयान उठ गया था, उसके बाद आयान को दवाई देना, कहीं कुछ इन्हीं सब चीज़ों में पूरा दिन लगी रही, और मैं भी 2-3 दिन से ना बिल्कुल भी नहीं सो पाई थी, तो इतना लस्त हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा, बच्चा बीमार होता है ना तो खुद की बहुत हालत ख़राब हो जाती है। मैं भी थोड़ा देर सो गई थी, खुद भी बीमार हो जाते हैं। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो मैं जल्दी जल्दी से लगी हूँ डिनर बनाने में, क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ करना है, मतलब कुछ बचा हुआ सामान रखा था फ्रिज में, दूध दूध ऐसी चीज़ें, तो उसका कुछ करना है, मतलब कुछ का मतलब उसका कुछ बनाना है, कुछ अच्छी सी चीज़ बनानी है, तो बाद में बताती हूँ क्या बनाती हूँ। तो ये वाली खिड़की खोल देती हूँ ताकि जितना धुआं यहाँ से निकल जाए, क्योंकि मुझे मेन वाला गेट जो है ना, ये वाला गेट, ये बंद करके रखना पड़ता है यानी की वजह से, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा सीधे आती है अंदर, तो उसे बंद कर देती हूँ, ये वाली खिड़की खोल देती हूँ। इससे क्या करना है, ये तो अलमारी है, ये गेट थोड़ी है। तो अभी फटाफट से मैंने सब्जी छोड़ दी है, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मेरा ये काम जल्दी से अभी निपट गया तो मैं करूँगी, सोचा तो यही है, और अगर नहीं निपटा पाई तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो मैंने सब्जी छोड़ दी है, तुरंत मैंने चावल धो के रख दिए हैं, और साथ में ही मैं यहाँ पर आटा गूँथ रही हूँ, तो फटाफट से मैं तीनों चीज़ें बनाती हूँ अभी।
तो बस यहाँ पर रोटी सेक ले रही हूँ, तो चावल रोटी सब्जी हमारा डिनर रेडी हो चुका है, तो आप लोग भी आ जाइए। और मैंने थोड़ा सा थाली में अचार भी रख लिया क्योंकि बस मुझे इस सब्जी के साथ अचार खाने का मन कर रहा था, क्योंकि अच्छा लगता है ना, इसमें गोभी भी होती है, लेकिन अब मैं गोभी लाती नहीं हूँ। एक दो बार मैंने ऐसा कुछ देख लिया था, जब से मन नहीं करता है मेरा गोभी लाने का। और बस अभी जा रही हूँ मैं अयान को दवा देने के लिए। और पता है कभी कभी लगता है ना, आप लोग सोचते हो कि दिन भर काम 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 ये क्या है, तो हम महिलाओं के पास ना दिन भर काम ही काम रहता है। सही माने में देखा जाए तो हमारी लाइफ यही रहती है, कुछ ना कुछ हमारे लिए काम रहता है दिन में, और जब हम गृहस्थी संभालते हैं तो सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम भी थक जाते हैं, जैसे बच्चा बीमार है और बहुत इरीटेट हो जाते हैं, जब लगता है ना कुछ चीज़ हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही है, तो उस टाइम पे क्या है, हमें गुस्सा भी बहुत आता है। और फिर अगर हम सोचें ना कि नहीं ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें इसे करना ही करना है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, और सामने वाले से हम उम्मीद बहुत लगा बैठते हैं, लेकिन हो सकता है कि सामने वाले के पास भी उतना ही काम हो जितना हमारे पास है, लेकिन हमें क्या है, अपना तो दिखाई दे रहा होता है क्योंकि हम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में अपना घूम रहा होता है, लेकिन सामने वाले के पास भी हो सकता है उतनी ही जिम्मेदारी हो, लेकिन हमें क्या है, बहुत गुस्सा आ जाता है उस टाइम पे कि नहीं हम क्या सारी चीज़ें, मतलब हम कैसे मैनेज करें, क्या करें। अगर हम सामने वाले पे उम्मीद लगाना छोड़ दें तो फिर क्या है कि उसको जितना टाइम मिलेगा सामने वाला उतना कर लेगा अपने हिसाब से, फिर क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा, फिर सारी चीज़ें आप खुद ही करते रहेंगे। और हम जितना करते हैं ना उतना हमें ज़्यादा लगता है, जब हम धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं और हम अपने आप को काम में लगाते हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ हमें कम लगने लगती है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी मजदूर महिलाएं जो होती हैं वो कितना काम करती हैं हमसे ज़्यादा, मतलब घर से खाना ही बना के ले जाती हैं, पूरे दिन काम भी करती हैं और उसके बाद बच्चा भी संभाल लेती हैं, और हमें अपना ज़्यादा लग रहा हो। तो दोस्तों मेरे सारे काम निपट गए हैं, और ये देखिए एक हाथ में मेरे दूध का पैकेट है और एक हाथ में ब्रेड है। तो आप लोग सोच रहे होंगे खाना खाने के बाद मैं दूध ब्रेड खाने जा रही हूँ क्या, तो ये खाने के लिए नहीं है, ऐसा है ना कि अयान को कफ की वजह से दूध नहीं दे रही हूँ, तो एक पैकेट दूध ये बचा हुआ रखा है, और दही मैं जमा नहीं रही हूँ क्योंकि सर्दी में दही जम ही नहीं रहा है, काम जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो एक पैकेट ये दूध बचा रखा है, और इसमें कुछ चार पांच ब्रेड बची हुई रखी है। तो मैं जा रही हूँ इसकी क्विक सी एक रेसिपी बनाने, क्योंकि फटाफट से बन जाती है, इससे मेरा दूध भी ये जो पैकेट का रखा है वो यूज हो जाएगा और ये ब्रेड भी यूज हो जाएंगी। तो चलिए दूध और ब्रेड का करते हैं काम तमाम, ताकि ये दोनों एक्सपायर ना हो जाए, रखी रहेंगी फ्रिज में, करूँगी नहीं कुछ तो एक्सपायर भी हो जाएगी इसकी डेट। तो मैंने क्या किया है, दूध को इसमें कढ़ाई में डाल दिया है, पूरा हाफ लीटर ये दूध है, तो इसको पूरा पैकेट मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा दूध मैंने निकाल के अलग कर लिया था, लगभग आधा कप जितना, और बस इसको रख देंगे गैस पे, और जब तक दूध गर्म होगा नंबर बाई नंबर सारी चीज़ें हम कर लेंगे। सबसे पहले दूध कच्चा है तो दूध को ही गैस पे रख रही हूँ मैं, और उसके बाद में हम ब्रेड को कट कर, तो ब्रेड को मैंने ऐसे चार चार पीस में काट लिया है, आप चाहे तो इसके किनारे निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने किनारे नहीं निकाले हैं, आपको नहीं अच्छे लगते तो निकाल दो, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं किनारे, मुझे ब्रेड से ज़्यादा ना इसके किनारे टेस्टी लगते हैं खाने में, तो इसलिए मैं इसको नहीं निकाल रही हूँ। तो मैंने ऐसे सारी ब्रेड, ये 6 ब्रेड थी बड़ी वाली, तो मैंने इनको सबको चार चार पीस काट लिया है। उसके बाद में यहाँ पर दूध भी अच्छे से बॉयल हो गया, और मैंने गलती किया कि ये दूध कच्चा था, दिमाग में था ही नहीं, भूल गई थी, कभी कभी ये होता है ना काम करते करते, जबकि मुझे गर्म दूध चाहिए था थोड़ा सा अलग से, तो मैंने जो कच्चा निकाला था वो भी उसी मिला दिया था, और जब वो पक गया था उसके बाद मैंने कटोरी में आधा कप दूध निकाल लिया था, दूध बॉयल हो गया, दूसरी तरफ मैंने रख दिया है। और यहाँ पर एक पैन लिया है, उसमें डाला है मैंने ऑयल, कुकिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं, और उसमें डाल दिया एक बड़ा चम्मच भर के घी, घी इसलिए डाला है ताकि फ्लेवर अच्छा आ जाए घी का, आप चाहें तो पूरा घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें मिक्स कर दी हैं। उसके बाद जो ये ब्रेड के पीस थे इनको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह दोनों तरफ सेक लेना है, फ्लेम को मीडियम रखना है, ज़्यादा टाइट तक नहीं सेकना है, सॉफ्ट रहे ब्रेड अंदर से और ऊपर से अच्छी सी ब्राउन सेक जाए इतना सेकना है। तो बस सारी ब्रेड को मैं इसी तरह सेक ले रही हूँ, ये देखिए ब्रेड अच्छे से सिक गई हैं, और सबको सब सेक सेक के ऐसे निकाल लेना है। अगर ब्रेड ज़्यादा टाइट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टोस्ट जैसी हो जाएगी ना, तो फिर ये रेसिपी को ख़राब कर देगी, तो ये याद रखना है कि ब्रेड अंदर से सॉफ्ट रहे और इस तरीके से सिक जाए। और बस सारी ब्रेड सिक चुकी है, और यहाँ पर दूध जो रखा था उसमें से मैंने ये थोड़ा सा दूध निकाल दिया है, और उसके बाद में जो बाकी का दूध बचा हुआ है इसमें अभी हम मिक्स करेंगे चीनी। तो यहाँ पर दूध के हिसाब से मैं यहाँ
4 चम्मच लगभग चीनी ले ले रही हूँ। और आप ज़्यादा और मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा और मिला सकते हैं, तो बस इतनी चीनी पर्याप्त है। तो ये चीनी मैं डाल दूँगी इस दूध में और दूध को अभी और पकने देंगे। तो मतलब थोड़ा सा जब ये गाढ़ा होने लगेगा, 4-5 मिनट और पक जाएगा खोलने के बाद में, तब तक पकाना है। और जब तक मैंने क्या किया है, जो ये दूध रखा था ये गुनगुना सा हो रहा है इस टाइम पे, उसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच के लगभग, 2 बड़े चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के जगह आप उसमें वो भी डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं नाम भूल गई, देखिए कस्टर्ड पाउडर, हाँ कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हैं या फिर ये डाल सकते हैं। तो मैंने उसको घोल दिया अच्छे से और अभी मैंने मिलाया नहीं है। तब तक यहाँ पर थोड़े से ले ले रही हूँ मैं मेवे, काजू और बादाम, आप चाहें तो पिस्ता ले लें, और भी चीज़ें ले लें, कुछ फल वगैरह हो वो काट सकते हैं। और उसके बाद में ये जो हमने कॉर्नफ्लोर दूध के साथ मिला के रखा था, इसको थोड़ा थोड़ा सा करके ऐसे मिला के अच्छे से मिक्स कर देना है दूध में। और इसको मिलाने के बाद लगातार दूध को चलाते रहना है और 2-3 मिनट तक और अच्छे से पका लेना है। दूध जब गाढ़ा हो गया, गैस मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पर ले लिए मैंने ये ट्रे और ये केक टिन है। आप कोई और ट्रे ले सकते हैं, आपके पास कोई बर्तन हो वो ले लें। और जितने भी ब्रेड के पीस हैं इनको ऐसे सेट कर देना है लाइन से, ये बच्चों वाला काम करना है, इनको ऐसे सेट करना है। और अगर पूरी ट्रे भर जाती है तो उसके ऊपर से भी रख सकते हैं ये ब्रेड के पीस, और अच्छे से पूरा सेट कर देना है। इसके बाद में जो हमने ये दूध तैयार करके रखा था, इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा डालना है। आप चाहें तो इसमें कुछ कलर मिक्स कर सकते हैं, कोई कलर आपको पसंद है, इलायची पाउडर डाल सकते हैं। और अगर आप कस्टर्ड पाउडर डाल के बनाएंगे तो इसका कलर वैसे भी थोड़ा सा क्रीम कलर हो जाएगा, अभी ये पूरा वाइट है। तो जो चीज़ आपके पास है वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास था कॉर्नफ्लोर तो मैंने वो डाल दिया है, क्योंकि वैसे भी बचा हुआ सामान था, मैं अलग से तो कुछ लेके नहीं आई थी। लेकिन ये बहुत ही अच्छी रेसिपी, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत मज़ेदार लगती है ब्रेड की खाने में। और बस पूरा मैंने ये दूध ऊपर से डाल दिया है। अगर कुछ ऐसे लग रहा है कि ब्रेड के पीस ऊपर हैं तो उनको और अच्छे से मैंने पूरा दूध में डिप कर दिया है और ऊपर से मैंने ये मेवे डाल दिए हैं और इनको रख देंगे 2-3 घंटे सेट होने के लिए, ताकि अच्छे से ये ब्रेड अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले पूरे मिल्क को। तो अभी मैं ढक के रख दे रही हूँ। और वैसे भी बहुत रात हो गई थी मुझे करते करते, मैंने लेट शुरू किया था तो 12 वैसे भी बज गए थे। तो अब इसको सुबह ही खाएंगे, फ्रिज में रख देंगे, लेकिन जब खाना हो तो पहले से निकाल के रख दो, ठंडा ना खाओ। अभी रख दे रही हूँ मैं फ्रिज में। हेलो हेलो फ्रेंड, तो अभी आयान के कपड़े अपने चेंज करके दवा ववा दे के हर चीज से फ्री कर दिया है, और उसके बाद बाकी जो काम थे वो जल्दी जल्दी अभी मैंने निपटाए हैं। ये हो जाता है, इसको दवाई देनी है, थोड़ी देर बाद फिर देनी है, फिर 1 घंटे बाद देनी है, ऐसे 3-4 बार दवाई देनी होती तो वो याद करके देना पड़ता है। तो बस थोड़ा नाटक भी करता है दवाई लेने में, इसलिए और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। और ये चले गए हैं ऑफिस, और इनके जाने के बाद काम में ही लगी हूँ, और लगे लगे अब जाके देखा तो टाइम 12 बज गए थे, मतलब सुबह से एकदम लगे ही लगे हो गया नॉन स्टॉप। और अभी जैसे ही फ्री होंगी ना, तैसे ही कुछ ना कुछ इसका काम फिर आ जाएगा। और आप में से काफी लोग पूछ रहे थे, दी भैया वीडियो में क्यों नहीं आ रहे हैं, भैया वीडियो में क्यों नहीं आ रहे हैं, बताइए दी भैया वीडियो में क्यों नहीं आते हैं, उनसे बात कराइए। तो ये क्या है, एक तो उनको टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा मैं भी काफी कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ कि इतना लेट हो जाता है ऑफिस से आने में, सुबह भी जल्दी जाना होता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते हो घर के लिए भी। तो उनको अपना मतलब कभी कभी ना ऑफिस में काफी बर्डन हो जाता है, फिर यहाँ से मैं भी गर्म होने लगती हूँ, दे रहे हो। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है हमारे पास ही काम है, लेकिन सामने वाले, हमारे पास तो ये है कि किसी का प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन सामने वाले के ऊपर प्रेशर भी रहता है, क्योंकि ऑफिस में और भी सीनियर्स वगैरह रहते हैं जिनके की ऑर्डर फॉलो करने होते हैं। हमारा क्या है, थोड़ा बहुत काम डिले हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बीमार है, थोड़ा सा भी बीमार होता है तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ, और मतलब इतना घबरा जाती हूँ ना, कभी कभी मेरी सांस ऊपर नीचे होने लगती है कि इसको ये दिक्कत हो गई, इसको वो दिक्कत। वो कहते हैं हल्के में लिया करो, रिलैक्स रहा करो, जब ज़्यादा दिक्कत होगी मुझे समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं बहुत टेंशन ले लूँगी तो मैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, और सच में वो बीमार है, ये है वो है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझसे कुछ कहा हो या कोई गलती की हो, उस बार ही होता है ना कि ब्रेक हो जाता है, फिर इंसान अपने काम में बिजी हो जाता है। मैं अपने काम में बिजी हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आराम से जो भी काम होता है, आयान को हॉस्पिटल ले जाना है, कोई भी काम है, सारे काम करते हैं। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। और अभी मैंने जो कल स्वीट बनाई थी, मतलब जो मैंने डिश बनाई थी ब्रेड की, वो भी नहीं खाई है, फ्रिज में रखी थी, निकाल के रख दूंगी, बाद में खाएंगे उसे। तो यहीं पर इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, मिलूंगी आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। क्या बेटा रुको, देखो ये चोट लगवा लिए, दौड़ता दौड़ता भागता चला आया था, दवा खा के इसको ऐसा कह रहा था, मुझे सामने दिख ही नहीं रहा था, इसको चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं यहाँ लगवा लिए था, वो भी दवाई लगाई है।
बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।